तो गैस ये मेरे मोहसिन भाई हैं और मुझे सुबह सुबह पूछ रहे हैं कि क्या खाओगे तो क्या पियोगे। तो इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनको खुद ही पता होता है कि शाह जी क्या खाएंगे। वो सब जरा हाथ हिला दीजिए, आपकी वीडियो बन रही है तो बस जो भी है ले आए आप, हम इंशाल्लाह खाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नई सुबह के साथ अल्लाह ताला के रहमत और करम के साथ हम होटल पे पहुंच चुके हैं अपना नाश्ता करने के लिए। ड्यूटी खत्म कर चुके हैं। ड्यूटी खत्म करने के बाद पहला काम यही होता है कि नाश्ते का। नाश्ता बहुत ज़रूरी है। पूरी रात कुछ खाया नहीं जाता, यानी कि चाय पी के या कॉफ़ी पी के अपना वक्त गुजारते हैं। इर्द गिर्द में कोई होटल नहीं है, कोई ऐसा सहूलियात नहीं है कि हम कुछ लेकर खा सके। फिर ऐसे ही गुजारा करना होता है और बड़ी मुश्किल से फिर होटल तक पहुंचा जाता है। और अभी इंशाल्लाह ताला नाश्ता खाते हैं, करते हैं, जो आता है वो आपको दिखाते हैं कि आज नाश्ते में क्या आया है। गाइस अभी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा नाश्ता आ चुका है। आज हमारे पास आया है आलू अंडे की भुजिया और चना मिक्स है और साथ में चपाती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करके अपने नाश्ते को शुरू का करते एक ये हैं। भी रीज़न है कि अपना रात लंबी हो चुकी है और दिन छोटे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज या कल या परसों जैसा भी हम सोते हैं फील करते हैं कि एकदम से पता ही नहीं चलता कि कब वक्त गुजर गया है और अलार्म बजता है उठने का और ड्यूटी का टाइम हो जाता है। तो अभी रात भी जो है वो भी ऐसे ही लंबी है, रात लंबी हो गई है और पूरा रात हम इंतज़ार करते हैं कब वक्त गुजरेगा और होटल पे जाएंगे तो अपना नाश्ता करेंगे। बोला किधर क्या हुआ था? कौन तुम? मैं उधर होटल में गया हूँ, ये लोग जल्दी नहीं करते। जल्दी नहीं करते? उनको बोलना चाहिए ना भाई जल्दी करो। पर मैं तो बोला मैं टेस्ट के लिए जाते हैं थोड़े। हाँ अच्छा, ये लग रहे तो फिर वो लोग जल्दी नहीं किया। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपना कोरोना टेस्ट के लिए। तकरीबन आज 17 दिन के बाद हम जा रहे हैं दोबारा से फिर। उधर से टेस्ट करवा कर फिर हम वापस जाएंगे अपनी कंपनी की तरफ और अपनी जॉब की तरफ। बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। एक तो तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तबीयत अपसेट है, बुखार नज़ला ज़ुकाम, और उसके अलावा जो है काम का थोड़ा बर्डन भी है जो हमने ही देखना होता है क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हमने ही देखना होता है। तो वीडियो काफ़ी दिन हो गए हैं, वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए माजरत। लेकिन फिर भी यही है कि वादा किया है कि जब जब इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे जाएंगे जैसे जैसे मौका मिलेगा वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी और आपको अच्छी भी लगेगी, आप इंजॉय भी करेंगे देखकर, ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे कि करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये सिटी बस है, और ये हमारे अपने गुल्लू भट्ट साहब हैं, नूरा के चैंपियन हैं। वालेकुम अस्सलाम। इनको कहते हैं जी गुलमनान खान साहब, पर माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे फोरलिफ्ट के ऑपरेटर हैं। बड़ी मेहनत और बड़े जारहाना अंदाज में काम करते हैं ये माशाल्लाह, और काम को एकदम से खा पी जाते हैं। श्रीमुल्ला को बात करने का मौका मिल गया, देखा बर्दाश्त नहीं कर सका कि तारीफ कर दी है। हाँ जी, ये श्रीमुल्ला साहब हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे वर्कर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं।
नूरा के ये हाफ चैंपियन है, वो फुल चैंपियन था, गुलमनार ये हाफ चैंपियन है। और शरीमुल्ला मास्क उतारेगा तो पता चलेगा ना यार, ऐसा मास्क में क्या पता चलेगा शरीमुल्ला कौन है। अस्तग़फ़िरुल्लाह तो गाइज़ अभी हम जो है अपना 10 नंबर मुसाफा से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला और 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपना टेस्ट करवाने के लिए। तो बस टेस्ट करवा कर उधर इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी हो जाता सब कुछ। और माशाल्लाह इनका इंतज़ाम आज जो है हमारा आस वालों के बहुत अच्छे हैं। अभी गाड़ी ऊपर से घूम कर आएगी। तो गाइस अभी हम अपना PCR टेस्ट करवा कर वापसी की तरफ चल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह और 10 से 15 मिनट में हम अपनी कंपनी में पहुंच जाएंगे, आपकी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे। तो इतना ही टाइम लगता है, माशाल्लाह इधर का सिस्टम ऐसा बेहतरीन है कि कुछ भी वेट नहीं करना पड़ता, बस जैसा ही अंदर एंटर हुए हैं तो कतार लाइनें लगी हुई थी, अपना नंबर लगाया तो टेस्ट करवा कर बाहर की तरफ। पता नहीं आज हमारे गुड लक है, बहुत अच्छा दिन है, आज टेस्ट भी हो गया और आज भी लोगों ने उधर से हर मिनट वाटर तो हर बार उन्होंने रखा होता है, अच्छी खासी तादाद में रखा होता है, जो आदमी आता है उसके लिए जो है ना वो रखते हैं पानी पीने के लिए, ये तो इनकी बहुत अच्छी जो है ना क्वालिटी है। उसके अलावा इन्होंने आज खाना भी रखा हुआ था, यानी कि जो मज़दूर जो लेबर तबका लोग हैं तो जो खाना लेने की खाने की पोजिशन में नहीं है उनके लिए जनाब अली खाना भी जो है वो कतार में जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आगे क्या है, कुछ खाने के लिए है या कि दोबारा कोई टेस्ट होगा या क्या है, वो वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा कि आगे क्या है। बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज़ की कंपनी है, लेकिन आप देख लें कि कहाँ तक वो एंड